आज की इस वीडियो में सीखेंगे आप ये सुंदर स्लिप डिजाइन बनाना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए पहले आपको नॉर्मल आस्तीन की तरह कटिंग करके रख लेना है। उसके बाद अब आपको लेना है बकरम, और जितनी आपकी आस्तीन की लंबाई है उसी के हिसाब से आपको बकरम निकालना है। सब्सक्राइब करें राधिका ट्यूटोरियल्स को सिलाई से जुड़ी हर एक चीज सीखने के लिए, और बेल बटन दबाएं ताकि मेरी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। तो जैसे मैंने ये बकरम का एक पीस ले लिया है बिल्कुल आस्तीन की लंबाई के बराबर, ये आस्तीन का मार्जिन दोनों साइड छोड़ दिया है और उसी के हिसाब से बकरम को निकाल लिया है। तो आपकी आस्तीन की जो भी लंबाई है उसी के हिसाब से आप बकरम को निकाल लीजिए। तो अभी स्लीव को एक साइड रखना है और आपको डिजाइन की पहले बकरम में कटिंग करना है। तो पहले आपको यहाँ पे थोड़ी थोड़ी बकरम को छोड़ देना है दोनों साइड। तो इस तरह आपको पहले दोनों साइड छोड़ देना है, ये आपके सिलाई के मार्जिन से अलग रहेगा क्योंकि इस पे सिलाई नहीं चलेगी। उसके बाद अब आपकी जो भी लंबाई यहाँ पर बचती है उसको तीन भाग में बांट दीजिए। तो जैसे कि इसकी लंबाई बच रही है 10.5 इंच, तो इसको तीन भाग में बांटेंगे 3.5 इंच। 3.5 इंच पे ये निशान लगा दिया और 3.5 इंच पर एक निशान और लगा दिया, और यहाँ पे भी देखना है आपको, तो ये आ रहा है 3.5 इंच यहाँ पर, तो थोड़ा खिसका देते हैं। इस तरह आप तीन निशान बना लीजिए। इस तरह निशान लगाने के बाद अब आपको इसका बीच का सेंटर निकालना है। तो बीच का सेंटर निकालेंगे इसके 2.25 इंच के हिसाब से। तो इसका बीच का सेंटर निकालना है आपको, जो भी इसका सेंटर आता है तो आप इस तरह कर लीजिए, 3.5 इंच का हाफ कीजिए और यहाँ पे निकाल लीजिए। इस तरह इंची टेप को रखेंगे और बीच का सेंटर पे निशान लगा देंगे। और इस तरह निशान बनाते जाइए। अब इस निशान को आपको चेक करना है कि यहाँ पे आपको कितनी चौड़ाई रखना है। तो जैसे कि मैं रख रही हूँ यहाँ पे 1.2 इंच की, तो 1.2 इंच पर निशान लगाया और इस तरह मिला दिया। यहाँ पे भी चेक करना है, इस तरह मिलाते जाइए। अब आपकी जो भी इसमें गुलाई आएगी वो इसी निशान के अंदर आएगी। अब इस तरह शेप बनाते जाइए। तो इस तरह आपको गुलाई बनाते जाना है। अब इसी निशान के ऊपर कटिंग करना है। इस तरह काट कर निकालिए और इसके ऊपर रख दीजिए, जिससे बिल्कुल बराबर से आपके तीनों भाग बट जाएंगे। तो इस तरह आपको इसकी कटिंग करना है। उसके बाद अब आपको इसके बीच का जॉइंट को खोल देना है। तो इस तरह बीच के जॉइंट को आपको खोल देना है। उसके बाद अब आपको क्या करना है कि इस तरह 1/2 इंच के हिसाब से बकरम को काट कर निकाल दीजिए। बाकी जो हमारी एक्स्ट्रा बकरम है उसे काट कर निकाल देना है और यहाँ पर 1/2 इंच के हिसाब से बचाना है। इस तरह काट कर निकाल लीजिए। तो इस तरह हमने इसकी कटिंग कर ली है। उसके बाद अब उठाना है आपको आस्तीन और उसके अस्तर पर इसको चिपकाना है। तो अब उठा ली हमने आस्तीन, आस्तीन के अस्तर में आपको बकरम को चिपकाना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप अस्तर वाली आस्तीन नहीं बना रहे हैं तो आप किसी भी कपड़े में बकरम को चिपका सकते हैं और फिर उसके ऊपर रख कर आप उसको पलट सकते हैं। अगर आप सिलाई को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप पर 3 महीने का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में मैं आपको 15 तरह की ड्रेसें बनाना सिखाऊंगी, जैसे ब्लाउज, सूट, सलवार, पैजामी, कुर्ती, अलग अलग तरह की गर्ल्स की टॉप और कटोरी ब्लाउज, ये सब आपको अच्छे से सिखाया जाएगा।
तो इन सारी चीज़ों को आपको बिल्कुल परफेक्ट और फिटिंग से बनाना सिखाया जाएगा और आप जल्दी ही आत्मनिर्भर भी बन जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको अपना पर्सनल टाइम देती हूँ, जैसे ही आप क्लास ज्वाइन करेंगे आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, फिर आप सिलाई करते समय जो भी सवाल मुझसे पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं, जिससे आपकी सिलाई करते समय जो भी मिस्टेक होती हैं उनको मैं सुधारने में मदद करूँगी। अगर आप सिलाई को अच्छे से सीखना चाहते हैं तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड करके कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं जानती हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग 1-2 साल से सिलाई सीख रहे हैं लेकिन उनसे अभी तक अच्छी ड्रेसें नहीं बन रही हैं, तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हैं और ड्रेस बनाते समय आपसे जो भी गलतियाँ होती हैं उनको सुधारने में मैं आपकी मदद करूँगी। तो आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, फिर आप ड्रेस बनाते समय जो भी सवाल मुझसे पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं और मैं आपकी व्हाट्सअप पर हेल्प करूँगी, जिससे आप बिल्कुल फिटिंग से और परफेक्ट ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे। तो ये 3 महीने का कंप्लीट कोर्स है, जैसा आप इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपने लिए अच्छी ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे, अपने परिवार के लिए अच्छी ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे और अपने कस्टमर के लिए अच्छी ड्रेसें बनाना सीख जाएंगे। तो जल्दी से आप राधिका ट्यूटोरियल्स ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसी पर आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और इस साड़ी वाले पीस को अलग रख देते हैं। अब इसको सीधा किया और इसके ऊपर इसी तरह बकरम को पकड़ेंगे और इसके ऊपर रख देंगे, तो 20 सेंटर से आपको इस तरह मिला देना है। इसकी जो नोक है वो 20 सेंटर के पास आपको लाना है और इस तरह मिला देना है। तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है इसमें कि इसके 20 सेंटर से इसकी नोक को मिलाना है और अच्छे से मिलाकर रख देना है। उसके बाद यहाँ पे बस आपको इतना गैप रखना है कि आपकी मशीन की सिलाई आसानी से निकल जाए, तो यहाँ पे इतना गैप रखेंगे सिर्फ 1 पॉइंट का, ठीक है। 1 पॉइंट का गैप रखते हुए आपको इस पर प्रेस कर देना है, तो जैसे ही रखी हुई है वैसे ही रखे हुए में आपको प्रेस करना है। तो इस तरह आपको अच्छे से इसको प्रेस से चिपका देना है और यहाँ पे सिर्फ हमने 1-1 पॉइंट का गैप छोड़ा है, ठीक है, जिससे बस हमारी मशीन आसानी से निकल जाएगी। इतना ही आपको गैप छोड़ना है, ज़्यादा गैप नहीं करना है। अब उठा लीजिए आप आस्तीन, इसको रखा सीधा और इसके ऊपर इसको उल्टा रख देना है। अब यहाँ पे 1-1 पिन लगा लीजिए जिससे दोनों आस्तीनें अच्छे से रुक जाएंगी और आपको ज़्यादा संभालना नहीं पड़ेगा और फिर आसानी के साथ आप इसमें सिलाई डालते जाइए। तो इस तरह हमने दोनों आस्तीनों को पिन से रोक दिया है, बस अब आपको इधर से सिलाई डालना शुरू करना है और पूरे में घुमाते हुए आपको इसी शेप में निकाल लेना है और इधर से फिर आपको इसके पास से निकालते हुए जैसे इसकी नोक बनी हुई है बस पास से आपको सिलाई ले जाना है। तो फिर आप ध्यान दीजिए एक बार कि सिलाई आपको बकरम के नीचे नीचे चलाना है, ठीक है, इस तरह आपकी नोक बनेगी। तो बकरम के नीचे नीचे हमने इसमें सिलाई डाल दी है, उसके बाद अब आपको इसमें एक कट लगाना है और इस कपड़े को काट कर निकाल लेना है। इस तरह कट लगा लीजिए और यहाँ पे सीधा इसको काट दीजिए, इस नोक तक आपको सीधी कैंची ले जाना है सिलाई को बचाते हुए और सिलाई तक ही आपको कट लगाना है इस तरह, ठीक है। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए कि नोक तक आप इसको सीधा काटिए। इस तरह आपको खोलने के बाद अब आपको यहाँ पर 2-2 पॉइंट कपड़े को छोड़ना है और बाकी कपड़े को काट कर निकाल लेना है। इस तरह आप कपड़े को काट लीजिए, तो 2-2 पॉइंट कपड़े को यहाँ पे छोड़ना है सिलाई की दूरी पर, 2-2 पॉइंट कपड़े को छोड़िए और बाकी कपड़े को एक्स्ट्रा कपड़े को काट कर निकाल देना है। तो इस तरह हमने यहाँ पर 2-2 पॉइंट कपड़े को छोड़ दिया है, उसके बाद अब आपको इसमें कट लगाना है। तो इस तरह आप इसमें कट लगा दीजिए। तो इस तरह हमने इसमें गुलाई में कट लगा दिए हैं। कट लगाने के बाद अब आपको पिन हटाना है और इसको पलटना है।
इसको पकड़िए और अंदर की साइड पलट दीजिए। तो इस तरह आपको अंदर की साइड इसको पलट देना है और यहाँ पे अच्छे से इसकी नोक को बाहर निकालना है। इसकी नोक सही करने के लिए आप एक सुई उठा लीजिए या पिन की नोक से भी आप इसको सही कर सकते हैं। इस तरह आपको धागा को एक पकड़ना है और ऊपर की साइड खींच देना है, जिससे इसकी नोक सही बन जाएगी। इसी तरह हमें इन दोनों में करना है। तो इस तरह आपको अच्छे से इसको पलट देना है, उसके बाद इस पे प्रेस लगा देना है। जैसे ही आप इस पे प्रेस कर देंगे तो इसमें बड़ी फिनिशिंग आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए प्रेस से कितनी अच्छी फिनिशिंग से बैठ गया है। और फिर आपको जगह जगह पिन लगा लेना है। उसके बाद अब आपको इसमें डिजाइन का लुक देने के लिए उठाना है बटन। एक बटन आपका इधर लगेगा और दूसरा बटन इधर लगेगा और तीसरा बटन इधर और चौथा बटन इधर रहेगा। अब बटन लगाने के लिए आपको पहले इसमें डोरी फिट करना है। तो आप एक छोटी सी डोरी को बना के रखिए और उसमें छोटे छोटे चार टुकड़े काट लीजिए। तो इस तरह चार टुकड़े आपको काटना है। तो बटन लगाने से पहले आपको ये डोरी इसमें फिट करना है। इस तरह आपको इसमें रखना है और यहाँ पे मशीन चलाते जाना है, जिससे ये डोरी अच्छे से फिट हो जाएगी और डोरी के ऊपर ही ये बटन लगेगा। तो एक डोरी आपको इधर फिट करना है और दूसरी डोरी आपको इधर फिट करना है और दो डोरी करेंगे हम दूसरी आस्तीन में फिट, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से किनारे से सिलाई डालते जाना है। किनारे से सिलाई डालते जाइए, जिससे डोरी इसमें फिट हो जाएगी। और मशीन को निकालते हुए फिर आपको इस नोक के पास आना है और डोरी को इधर रख देना है। और फिर आप बस मशीन को इस तरह निकालते हुए इधर से ही आपको वापस जाना है। तो जिससे डोरी दोनों साइड से अच्छे से फिट हो जाएगी। तो इस तरह हमने इसके किनारों पे सिलाई डाल दी है और डोरी इसमें फिट कर दी है। और डोरी के ऊपर ही आपको बटन लगाना है, जिससे बटन बहुत स्ट्रॉन्ग रहेंगे और जल्दी निकलेंगे नहीं। तो देखिए इस तरह आपको इसमें डोरी फिट करना है और उसी के ऊपर बटन लगाना है। तो उसके बाद अब आपको नीचे की साइड इसमें पाइपिंग लगाना है। तो अब आप पाइपिंग उठाइए और इसके ऊपर सीधा रख दीजिए। बस आपको पाइपिंग में इतना ही ध्यान देना है, जो डोरी वाली साइड है वो आपके कपड़े के साइड रहना चाहिए बस। और किनारे से आपको इसकी सिलाई डालते जाना है, किनारे किनारे पर सिलाई डाल दीजिए। तो इस तरह आपको पाइपिंग लगाकर इसको कंप्लीट करना है। अभी आस्तीन बनकर कंप्लीट हो गई है। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।